हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बुधवार को पाकिस्तानी सीमा से सटे पंजाब के फिरोजपुर जिले में बड़ी चूक सामने आई। सड़क मार्ग से रैली में शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री के काफिले को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। इस वजह से करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फ्लाई ओवर पर फंसा रहा। नतीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यक्रम को रद्द करके दिल्ली लौटना पड़ा। अब गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में हुई लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो चलिए जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा और राज्य में कार्यक्रम पर क्या होती है राज्य सरकारों की जिम्मेदारी। दरअसल देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी SPG संभालती है, लेकिन अक्सर प्रधानमंत्री को राज्यों में भी विभिन्न कार्यक्रमों और राजनीतिक रैलियों में अक्सर शामिल होना पड़ता है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में दौरे पर जाते हैं तो संबंधित राज्य प्रशासन को SPG और PMO के समन्वय से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी होती है। यानी इस स्थिति में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। प्रधानमंत्री जब किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो SPG से लेकर राज्य पुलिस और स्थानीय खुफिया विभाग की भारी भरकम टीमों को की तैनाती होती है। SPG की सुरक्षा पहले ही संबंधित राज्य में जाकर कार्यक्रम स्थल का मुआयना करती है। इसमें केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के लोग भी शामिल होते हैं। यही नहीं, केंद्रीय टीमों और SPG के उच्च अधिकारियों की स्थानीय पुलिस के साथ पूरी बैठक होती है, जिसे ASL का नाम दिया जाता है। इसे एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग कहते हैं। केंद्रीय अधिकारियों के समन्वय से प्रधानमंत्री के आगमन और प्रस्थान को लेकर एक आपात रणनीति भी तय की जाती है। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना है तो कैसे जाएंगे, और आकस्मिक परिस्थितियों में यदि सड़क से जाना पड़े तो उनका काफिला कैसे जाएगा, इसका पूरा खाका पहले से ही तैयार होता है। और प्रधानमंत्री के काफिले की रवानगी से लगभग 10 मिनट पहले रोड ओपनिंग टीम संबंधित रूट पर जाती है। इसमें स्थानीय पुलिस के जवान और उच्च अधिकारी भी शामिल होते हैं। इसके बाद तय रूट से जब प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो स्थानीय पुलिस के जवान भी जगह जगह मुस्तैद रहते हैं। पूरे रूट की जानकारी बेहद गोपनीय रखी जाती है। SPG और स्थानीय पुलिस के उच्च अधिकारियों को ही इस रास्ते और गतिविधि की जानकारी होती है, जिसके चलते रास्ते में पड़ने वाले नालों, जंगलों और फ्लाईओवर के आसपास सुरक्षा बलों और पुलिस के जवान तैनात रहते हैं और इनकी विशेष निगरानी रखी जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि प्रदर्शनकारियों को ये कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री का काफिला इस रास्ते से होकर गुजरने वाला है। कहीं इसमें पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस की कोई मिली भगत तो नहीं है। अब ये जांच का विषय है, इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है इसकी जांच के बाद आरोपियों को जल्द से जल्द सजा सुनाई जानी चाहिए। लाल के लिए रहें, जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।